की बात करी जाए, ज़िगोट का साथ देना उन्होंने ज़्यादा सही समझा। K47 मोस्ट प्रोबेबली फंस चुके हैं, एक बढ़िया मौली आई जरूर है, UMP का इस्तेमाल किया जाएगा ज़िगोट के द्वारा। जो दूसरे खिलाड़ी थे K47 खत्म और सबसे पहली टीम e-sports वाला इस लॉबी से बाहर। देखिए 400 से ज्यादा का डैमेज ज़िगोट अकेले ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब बार बार वो नॉक निकाल रहे हैं, भले ही इतने ज्यादा फिनिशेस उनको मिले नहीं है, एक ही फिनिश यहाँ पे उनके पास देखने को मिलता है। बट जोनाथन वापस सर्वाइवल हो चुका है, नेट यहाँ पे करते नजर आएंगे, ये नेट कितना डैमेज देगा देखने वाली बात रहती है। बट शैडो को यहाँ पे नॉक करा जाता है, गाड़ी लेके यहाँ पे प्लेस आ चुके हैं और एक एक करके पूरी की पूरी FS की टीम को यहाँ पे खत्म करा जाएगा। एक समय पे लग रहा था कि FS के पास एडवांटेज है, बट Godlike को ये बैटल आसानी से मिल जाएगी इन द एंड। मुझे जहां तक उम्मीद है वो K47 का जो फ्लैंक था वो काफी ज्यादा खराब साबित हुआ टीम FS के लिए, बट वहीं पे अगर Wizgod की बात करें उन्होंने मौके पे चौका मारा। Godlike का एक खिलाड़ी जो नॉक पड़ा हुआ था उसको पूरी तरीके से फिनिश किया गया, Wizgod के हाथों में एक फिनिश आया है और टीम Godlike वर्सेस OG की जो पिछली मैच में भिड़न थी वो अभी भी यहाँ पे चलती हुई। ऐश क्या वो व्हीकल चढ़ा सकते थे, थोड़ा सा लेट हो गए, वो निकल गए, थोड़ा सा फ्लैंक एंगल लेने की वो जरूर कोशिश करेंगे, बट एक ओपिनियो के द्वारा वो भी यहाँ पे डाउन हो गए। एक बढ़िया मौली आया जरूर डैमेज दिया जाएगा, ट्रिगर यहाँ पे डाउन किए गए नियो के द्वारा। Godlike इस वक्त डोमिनेशन पे जाते हुए नियो का एक और बढ़िया स्प्रे, Wizgod सामने मौजूद है, डाउन किए जा सकते थे बट आप देखे HP उनकी बहुत ज्यादा कम। OG क्या यहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाएंगे? What just happened? Godlike Jonathan की तरफ से एक IQ गेम प्ले, गाड़ी में बैठ गए थे, स्मोक के अंदर पता नहीं चला OG के प्लेयर्स को, एक एक करके खत्म करा जाएगा, एक 3v4 सिचुएशन। Godlike ये फाइट जीतता हुआ और Jonathan now is the last man standing। देखना